फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संचिता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बढ़िया सा विंटर ग्लास स्किन फेशियल। जी हाँ दोस्तों, इस विंटर सीजन में आप इस फेशियल को एक बार करके देखना, आपकी स्किन बस कांच की तरह चमकने लगेगा। सो चलिए फेशियल को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप ना अभी वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि आप हमेशा वीडियो देखकर लाइक करना ही भूल जाते हो। सो अभी वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को देखना स्टार्ट करो। तो फेशियल का पहला स्टेप है क्लेंजिंग, जिसके लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा मिल्क क्रीम यानी कि मलाई ले लूंगी और फिर इस तरह से मिल्क क्रीम यानी कि मलाई से मैं अपने पूरे फेस को मसाज करूंगी 2 मिनट तक। दोस्तों, मिल्क क्रीम में मिल्क होती है और मिल्क में होती है लैक्टिक एसिड, जो कि हमारे स्किन पोर्स को डीपली क्लीन करने में हेल्प करती है और जिससे हमारे स्किन में जो डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स होती है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो 2 मिनट तक ऐसे मसाज करने के बाद वेट कॉटन से आप अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। अब हमारा सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रब बनाने के लिए आप सबसे पहले 1 चम्मच कॉफी पाउडर ले लीजिए, फिर इसमें 1 चम्मच मलाई यानी कि मिल्क क्रीम ऐड करके मिक्स कर लीजिए। अब इस स्क्रब को लेकर मैं अपने पूरे फेस और नेक को 2 से 3 मिनट तक जेंटली स्क्रब करूंगी। इस तरह से कॉफी और मिल्क को एक साथ मिलाकर स्क्रब करने से हमारी स्किन रेडिएंट और यूथफुल होती है, स्किन से डेड स्किन सेल्स रिमूव होती है, रिंकल्स और फाइन लाइंस दूर होती है और स्किन नेचुरली बहुत ग्लो करने लगती है। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट तक स्किन को स्क्रब करने के बाद नॉर्मल पानी से फेस को धो लीजिए। स्क्रबिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है फेशियल मसाज, जिसके लिए आप सबसे पहले एक बोल में 1 चम्मच मिल्क क्रीम ले लीजिए, फिर इसमें 1/2 चम्मच हनी ऐड करके मिला लीजिए। तो ये हमारा मसाज क्रीम रेडी है। अब इससे अपने फेस को मसाज कीजिए 9 से 10 मिनट तक। आपको फेस मसाज बहुत ही अच्छे से करना है, सारे स्टेप को फॉलो करना है जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मिल्क क्रीम के साथ हनी को ऐड किया है, जो कि हमारी स्किन को नेचुरली ग्लो करने में हेल्प करेगा और साथ में ये स्किन को बहुत ही ब्राइटन और इवन टोन भी करेगा। तो 10 मिनट तक इस तरह से फेशियल मसाज करने के बाद वेट वाइप से आप अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। अब हमारा फेशियल का लास्ट स्टेप है फेस पैक, जिसके लिए 2 चम्मच मैदा लीजिए, फिर इसमें ऐड कीजिए 2 चम्मच मिल्क क्रीम और फिर लास्ट में 1 चम्मच हनी ऐड करके इसको अच्छे से मिलाकर एक पैक जैसा बना लीजिए और फिर इसको लेकर पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और फिर अप्लाई करके आप इसको पूरा ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। और जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब इसको इस तरह से रब करते हुए रिमूव कर लीजिए और फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लीजिए। सो गाइस, आफ्टर फेशियल आप रिजल्ट तो देख ही सकते हैं और हाँ, इस फेशियल को करने के 2 से 3 दिन बाद आपके स्किन ना और भी ग्लो करने लगेगा। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस तरह की और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को देखना चाहते हैं। सो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।